भागलपुर में छेड़खानी की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान कुछ समय के लिए पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां काफ़ी संख्या में मौजूद उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नाथनगर और ललमटिया थाने की पुलिस CIAT टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंची। वहीं पुलिस को आता देखकर कई उपद्रवी मौके से फरार हो गए। हालांकि कुछ देर बाद वीडियो और अंचल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मोमिन टोला के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना को लेकर शांति समिति सदस्य पप्पू यादव ने कहा कि मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है, जहां पास के ही इंटर बालिका विद्यालय से पढ़कर आ रही हुसैनाबाद इलाके की एक छात्रा के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़खानी का प्रयास किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया तो बदमाशों ने इलाके के कुछ लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मोमिन टोला के लोग भी आक्रोशित हो गए। जानकारी के मुताबिक छेड़खानी कर रहे दो लड़कों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया और पिटाई कर दी। वहीं लड़के को मार खाता देख करीब दर्जनों समर्थक मौके पर पहुंचे और जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी की घटना में कई घरों के शीशे भी टूट गए, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस लड़कों से पूछताछ कर उपद्रवियों का पता लगाने में जुट गई है। वहीं पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कई बार शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण इलाके में प्रतिदिन छेड़खानी की घटना घट रही है। लड़की बाली इंटर सुतरीय बालिका उच्च विद्यालय में हमारे मोमिन टोला का लड़की पढ़ती है, वो स्कूल जा रहा था, उधर से कोई लड़का उनको छेड़ दिया, उसी में विवाद हो गया, उस लड़का को पकड़ के यहाँ लाया गया, फिर उधर से 20-25 लड़का आया, ईटा पत्थर हसनाबाद की है, और उसके बाद ईटा पत्थर चलने लगा, उसके बाद सारे शांति समिति प्रशासन के लोग आके मामला को शांत हो गया है, पूरा बाजार बंद हो गया था, सब हमारे शांति समिति के भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी, सारे लोग हमारे निजात अंसारी, सारे लोग आके हम सब दुकान खुलवा रहे हैं, प्रशासन का लोग भी लगे हुए हैं। उसने पता चला है कि शायद लड़की छेड़खानी का मामला है और ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लोग अपने ही हैं, और लड़की छेड़छाड़ का जो मामला है इसमें जो दोषी पाया जाएगा उनको सज़ा मिलेगी, और लेकिन ऐसी घटना नाथनगर स्टेशन चौक पर पहली बार हुआ है। यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग अच्छे से रहते हैं, जैसे पप्पू भैया ने बताया अभी राम रहीम की तरह यहाँ जोड़ी है, इस जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की हसनाबाद की है शायद, और वो इंटर स्तरीय स्कूल में पढ़ती है यहाँ, और इंटर स्कूल है, SR स्कूल है, और वो रोड गड़बड़ होने के कारण इधर से ज़्यादा आवागमन ज़्यादा हो गया है, भीड़ भाड़ भी रहता है। बात है यहाँ पर जो हम यहाँ फल का मेरा दुकान है, तो हम देखें भीड़ कौन चीज़ का है, झगड़ा फगड़ा हो रहा था, लड़की का छेड़खानी का बात था, ये सब वही सब हो रहा था, तो हम बाल्ला वाला जो बांध का लड़का जो रखी था ना, वो बोला कि गार्जियन को लेकर आओ यहाँ लाओ, हम तुमको पुलिस को भी बुला के लाते हैं, प्रशासन को हम छोड़ देंगे। उतने में जो है रागेपुर का लड़का सब था आया 10-20, दोनों में भी मारपीट चला, यहाँ का लड़का का वहाँ का लड़का का मारपीट होते होते फिर उसके बाद ठंडाइए गया, उधर से फिर 50-60 का लड़का आया, उसी में धुआंधार चलने लगा मार। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना से टाउन हॉल का निर्माण हो रहा है। लाजपत पार्क के समीप बन रहे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टाउन हॉल में 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। इसके साथ ही कलाकारों के रहने, कार्यक्रम करने के लिए बिजली, लाइट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। एयर कंडीशन टाउन हॉल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। बुधवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन भागलपुर में बने नए अत्याधुनिक टाउन हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने कई बिंदुओं पर इंजीनियर, टेक्नीशियन और मेंटेनेंस करने वाले अधिकारियों से बात की। वहीं निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर के लिए एक बेहतरीन टाउन हॉल बनकर तैयार हो गया है, जो एयर कंडीशनर, लाइट एवं कलाकारों के लिए मूलभूत सुविधाओं से लैस है। DM ने कहा कि पुराना टाउन हॉल काफ़ी जीर्ण अवस्था में था, उसे तोड़कर नया टाउन हॉल बनाया गया है। जिस तरह पहले शुल्क लेकर लोग यहां कार्यक्रम किया करते थे, अब भी शुल्क देकर यहां कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि टाउन हॉल लगभग
बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम स्कूली बच्चों के द्वारा कराकर इसकी शुरुआत की जाएगी। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि टाउन हॉल जो यहाँ बना हुआ था वो बहुत पुराना था और 2021 में ही स्मार्ट सिटी से टेंडर के माध्यम से एजेंसी निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ समस्या आ गई, तकनीकी समस्या आ गई उनके डॉक्यूमेंट्स में। फिर टेंडर करके दोबारा नई एजेंसी को सिलेक्ट किया गया और काम अंतिम चरण में है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत टाउन हॉल जो कि फुल्ली जो है एसी रहेगा, सेंट्रलाइज्ड एसी रहेगा, दिव्यांगजनों के बैठने की व्यवस्था, महिला पुरुष, ताकि हर एक वर्ग का, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या जो स्थानीय कलाकार हों या बाहर से आने वाले जो प्रतिभाशाली जो आर्टिस्ट होते हैं, सबको यहाँ परफॉर्म करने का अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले। 1000 की कैपेसिटी का एक बहुत ही खूबसूरत टाउन हॉल जो है वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। भागलपुर में अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा फैसिलेटर एवं आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुधवार को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए OPD, एक्सरे कक्ष और परिवार नियोजन परामर्श कक्ष सहित कई विभागों को बंद कराते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं इस दौरान रेफरल अस्पताल के नर्स ने आशा फैसिलेटर एवं आशा कार्यकर्ताओं को परिवार नियोजन परामर्श कक्ष बंद करने पर सुई भोंकने की धमकी दी, साथ ही रेफरल अस्पताल द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेजने की बात कही, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलेटर ने जमकर हंगामा करते हुए अपनी मांग को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की बात कही। वहीं इस मामले को लेकर रेफरल अस्पताल के प्रभारी कुंदन भाई पटेल ने आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा फैसिलेटर को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। उन्होंने बताया कि नर्स द्वारा सुई भोंके जाने की धमकी देने पर नर्स ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने आशा कर्मियों के मांग को जायज बताते हुए सरकार से मांग को पूरा करने की बात कही। इस दौरान काफ़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलेटर मौजूद थे। हम लोगों का जो है 8वां दिन है, हड़ताल का 8वां दिन चल रहा है, फिर भी अभी तक सरकार अभी तक कुछ नहीं सुन रही है। जो है ना, फिर हम लोग कल जो है हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन करेंगे। सैनिक कंपाउंड सब पहुँच करके वहाँ से जुलूस निकालते हुए DM के समय घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन। पिछले 12 तारीख से आशा कार्यकर्ता का राज्यव्यापी हड़ताल चल रहा है और हम लोग का भी अस्पताल का कार्य बाधित है, लेकिन पार्शियल रूप से बहुत हद तक OPD सेवा, इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं है। OPD सेवा को चालू करा दिया गया है, आज अल्ट्रासाउंड सेवा को भी चालू करा दिया गया है। RI मेरे यहाँ रूटीनली चल रहा है, 1-2 दिन बाधित रहा, लेकिन लैब का काम अभी हम चालू करवा के आए हैं। अब आगे फिर देखा जाए क्या कैसे करना। आशा का कहना है सर कि हम लोग को प्राथमिकी दर्ज और जेल जाने की धमकी दी गई है रेफर। वो एक्चुअली वो तो प्रावधान है कि अगर आप मरीज के इलाज में या कहीं भी आप मतलब इस ढंग का ज़बरदस्ती करते हैं कि किसी के जान को जोखिम में डालते हैं तो निश्चित रूप से FIR का प्रावधान है, लेकिन हम लोग समझा बुझा करके काम को कर रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन, बिना वैध कागजात के ड्राइविंग और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को सुल्तानगंज श्रावणी मेला क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर DTO जनार्दन कुमार ने CO अमित राज और थानाध्यक्ष प्री रंजन के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान DTO जनार्दन कुमार ने दर्जनों वाहनों के कागजात की जांच पड़ताल की एवं ओवरलोड वाहन से फाइन वसूल करते हुए सभी वाहनों के मालिक को ऑनलाइन फाइन जमा करने का निर्देश दिया। इस दौरान थाना के ASI अविनीश कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर पुलिस में सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा अपने कार्यकुशलता, कदकाठी एवं विचार के लिए जाने जाते हैं। आज उनका भागलपुर से स्थानांतरण राजगीर के लिए हो गया। इस बात की जानकारी मिलते ही भागलपुर के पुलिस जवानों में काफ़ी मायूसी छा गई, क्योंकि सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा से यहां के जवानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। वहीं उनके स्थानांतरण को लेकर बुधवार को भागलपुर पुलिस लाइन में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सार्जेंट मेजर KK शर्मा को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं पारितोषिक देकर विदाई दी गई। विदाई समारोह कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, CT DSP सहित पुलिस लाइन में दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि
सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा जहां भी जाएंगे वहां के जवानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर में उनका तबादला 6 महीने पहले होना था, लेकिन 6 महीने अतिरिक्त भागलपुर के जवानों को उनका साथ मिला, जो यहाँ के जवानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाकर पुलिस जवानों को उनके अनुभव का लाभ दिलाने की बात कही। भागलपुर में लगभग हम यहाँ 4 साल रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर और प्रचारी प्रवर के रूप में, और अभी ट्रांसफर पुलिस अकाडमी राजगीर में मेरा हो चुका है। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, चाहे शांति समिति हो, यहाँ के मीडिया जो भी बंधु लोग हमारे हैं सब, उन लोग भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा मसला होता था जिससे हम लोग आप लोग से भी लेते थे कोई बात, या जो यहाँ के जनता भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही पुलिस को कोऑपरेट करते रहेंगे, यही हमारा आशा है। भागलपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में बुधवार को परम पूज्य भ्रमण श्री विशल्य सागर जी मुनिराज के सानिध्य में परम पद में स्थित सिद्धों का महानुष्ठान 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य जन जन का आत्मकल्याण एवं विश्व में शांति स्थापित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र जाप से हुई, उसके बाद सामूहिक जनाभिषेक के उपरांत शांति धारा शांतिलाल जय कुमार काला के परिवार के द्वारा की गई। विधान में श्रीपाल मैना सुंदरी का किरदार नीतीश डिम्पल काला दंपति ने निभाया, जबकि श्रीजी की महाआरती मनोज कुमार एवं नवीन कुमार पाटनी परिवार के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी सुनील जैन एवं सुमित जैन ने दी।